स्वागत बंधन, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो आरोह पाठ पुस्तक भाग 2 उसके अंतर्गत जो पाठ है काव्यखंड है, आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे काव्यखंड में आज हम जो पढ़ने वाले वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास एक सिद्ध कवि, कैसे कवि है, सिद्ध कवि जो देश काल की सीमाओं से कैसे है परे और मानव प्रकृति के जिन रूपों का हृदय ग्राही वर्णन तुलसी के काव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई प्रामाणिक जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। उनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता पिता और विवाह आदि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त कुछ मतभेद हैं कि ऐसा है, कुछ का कहना नहीं ये ऐसा नहीं है, इस प्रकार ही मतभेद है। फिर भी तुलसी के जीवन व्रत से संबंधित जो भी सामग्री मिलती है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका जो जन्म है सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में हुआ था। परंतु कुछ लोग सोरो एटा को इनका जन्म स्थान भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक मूल नामक अनिष्टकारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म होते ही क्या कर दिया, त्याग दिया। स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का क्या किया, अध्ययन किया। ये जो जीवन परिचय हम किसका पढ़ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का। चलिए आगे पढ़ते हैं। साहित्य सेवा। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना परिपूर्ण थी। तुलसी ने राम के लोक मंगलकारी रूपों को अपनी लोक पावनी कृतियों के सामने प्रतिष्ठापित किया। तुलसी ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाज जगत, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर और विभिन्न जातिगत संबंधों और उनके एकीकरण का अन्यतम प्रयास किया। प्रत्येक पहेली एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का तर्कसंगत उपाय तुलसी ने प्रत्येक वर्ग के लिए अपने ही सृजित साहित्य में यथा स्थान प्रस्तुत किया। जो रचनाएं हैं उनकी उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु रामलला, लहचू पार्वती मंगल, बरवई रामायण संदीपनी तथा गीतावली इत्यादि है। इस प्रकार तुलसीदास जी की रचनाएं और उनकी साहित्य सेवा। आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कवितावली। क्या पढ़ने वाले हैं, कवितावली उत्तर कांड से। इस कांड से उत्तर कांड से थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय क्या दिया है इसमें। प्रथम इस छंद में कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार के जितने भी कर्मशील श्रमजीवी, किसान, बनिया, व्यापारी, भिक्षु, दास, नौकर है सेवक, दो कलाकार, चोर, दूध, बाजीगर, सभी पेट की आग की खाते सारा दिन अध्ययन, ज्ञान ग्रहण, लक्ष्य की प्राप्ति, जंगलों में घूमते शिकार करते और अच्छे बुरे कर्म, धर्म अधर्म करते हैं। किस चीज के
जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो सभी श्रम करते हैं, घूमते फिरते हैं जंगलों में, अच्छे बुरे कर्म अधर्म करते हैं, ये सब किसके खातिर करते हैं? सभी पेट की खातिर करते हैं। पेट की आग की ही खातिर मजबूरी में अपने बेटा बेटी को भी क्या कर देते हैं? लोग बेच देते हैं, बेचते हैं। पेट की आग जंगल की आग की तरह कैसी होती है? बड़ी आग, जिसे सिर्फ एक भगवान राम घनश्याम ही क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। द्वितीय इस छंद में तुलसीदास जी ने अपने काल की सामाजिक विषमता और अकाल की अवस्था का वर्णन किया है। किसान खेती नहीं कर सकता, भिक्षु को भी दान दक्षिणा नहीं, व्यापारी को व्यापार नहीं, ना सेवक को सेवा कर्म मिल पा रहा है, जीविका विहीन लोग दुखी होकर एक दूसरे से कहते हैं अब कहाँ जाएं और क्या करें। वे पुराणों में भी कहा गया है और संसार को देखने से भी यह प्रतीत होता है कि हम सब पर संकट पड़ा है। वह भगवान राम की कृपा से ही दूर होगा। किसकी कृपा से दूर हो सकता है? भगवान राम की कृपा से दूर हो सकता है। हम गरीबों को दरिद्रता रूपी रावण दुगनी शक्ति से क्या करना दबा रहा है। गरीबों की ये दुर्दशा देखकर तुलसीदास जी अति व्याकुल हो जाते हैं। तृतीय छंद में तुलसीदास जी ने भक्त हृदय के आत्मविश्वास और भक्ति की गहनता और सघनता का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त करे या परमहंस ज्ञानी राजपूत कहे या जुलाहा कहे, किसी की बेटी का ब्याह यानी विवाह किसी के बेटे से कराकर किसी की जाति नहीं बिगाड़ना है, मेरे नाम का उपनाम दास है, मैं भगवान किसका राम का दास हूँ, जिसे जो अच्छा लगे वह कह सकता है, मैं भिक्षा मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, लेकिन किसी से ना कुछ लूंगा और ना कुछ दूंगा। इस प्रकार ये जो संक्षिप्त परिचय था पाठ का यहाँ पढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं संदर्भ प्रसंग पद्यांश की व्याख्या, ये कवितावली उत्तरकांड से सबसे पहला है। किस भी किसान कुल वनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार, चेटकी पेट को पढ़त गुन बढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखे अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करी, पेट की ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़ वांगते बड़ी है आगी पेट। शब्दार्थ समझे, जैसे दिया है यहाँ पर किस भी या यहाँ पर व्यापार करना, कार्य करना, धंधा करना, श्रमजीवी मजदूर मेहनत कश, ठीक है, कुल यानी जो परिवार है कुटुंब है, बनी व्यापारी भाट प्रशंसा गीत गाने वाले उच्चारण, चाकर जो नौकर है, नट है कलावास, चार दुर्दूत है, चेट की बाजीगर गुणगढ़ यानी विभिन्न विधाएं कला, फिर सीखना गिरी पर्वत पहाड़, अटक घूमता गहन गन घना जंगल अहन दिवस दिन, अखेट की शिकार करने वाले शिकार, अधरम जो पाप बुझाई शांत करना, तृप्त करना घनश्याम यानी काला बादल, बड़वाग्नी समुद्र के अंदर की आग या समुद्रागनी। चलिए इसके प्रसंगों को पढ़ते और समझते।
क्या है? संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित कवितावली के उत्तर कांड से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग प्रस्तुत कविता में महाकवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का क्या किया चित्रण करते हुए पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ा बताया। तो पेट की भूख है, जो पेट की आग है, उसको समुद्र की आग से भी बड़ा बताया। ध्यान से समझिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जग में धंधा करने वाले किसान का परिवार, व्यापार करने वाले, भिक्षा मांगने वाले, चारण नौकर, कर्तव्य दिखाने वाले, चोर लुटेरे, दूध बाजीगर इत्यादि सभी लोग अपना पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और पेट की भूख को तृप्त करने के लिए लोग अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए लोग दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वे घने जंगलों में घूमते हैं, पूरे दिन शिकार के लिए भटकते रहते हैं। भाव यह है कि पेट के आग के लिए इधर उधर सब ओर ठोकर खाते फिरते हैं। इसके लिए वे उल्टे सीधे क्या करते हैं, काम तक करते हैं। इस दौरान उन्हें पाप पुण्य अथवा धर्म अधर्म भी नहीं सूझता, अर्थात पेट की भूख को शांत करने के क्रम में वे उचित अनुचित कार्य करने में सभी लगे रहते हैं। तनिक भी संकोच नहीं करते, तनिक भी संकोच नहीं करते। यहां तक कि लोग भूख के प्रबंध के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भेज देते हैं। राम की भक्ति में लीन कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की यह आग वास्तव में समुद्र की आग से तीव्र भयंकर होती है। इसे भगवान राम के कृपा रूपी बादल की बरसात ही क्या कर सकती, शांत कर सकती है। अर्थात यदि भक्तों पर भगवान राम की कृपा हो जाए तो उन्हें पेट की आग से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल सकती है। काव्य सुंदर सभी पेट के लिए उद्यम में रत है और सार्वभौमिक सत्य प्रस्फुटित हुआ है। दूसरा, पेट की आग को समुद्र की आग से तीव्र बताया है। तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। राम घनश्याम रूपक अग्नि बड़ वाजते पेट की आग में व्यतिरेक अलंकार ठीक है। फिर कवि छंद है, अभिधा शक्ति है, तत्सम शब्दावली और युक्त लालित कुल परिभाषा है। बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बनी, बनी को बनी ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहे एक एकन सो कहां जाई का करी। वेदहुं पुराण कहि लोगहि विलोकत, साकरे सबई पे राम सरावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई धुनी दीन बंधु दुर्ग दहन देखी तुलसी हाहा करी। शब्दार्थ बलि दान दक्षिणा, बनि व्यापारी बनिया, बनि व्यापार, चाकर जैसे कहा नौकर, चाकरी है नौकरी, जीविका रोजगार विहीन रहित सिद्धिमान कष्ट या दुखी सोच विचार चिंता, एक एक अंशो एक दूसरे से आपस में परस्पर, जाय जाय करी करे, वेदहु वेद पुराण पुराण, लोकहु लोक में भी विलोकीय देखते हैं, साकरे संकट दारिद्र गरीबी, दसानन ब्राह्मण दुनी जग और संसार दीन दुनिया है ना, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाले, दुरित पाप दहन भस्म करना जलाना समाप्त करना और हाहा करिए दुखी। संदर्भ जैसे मैंने आपको पूर्वज बताया, प्रस्तुत कवित में तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज में व्याप्त बेरोजगारी एवं उससे उत्पन्न गरीबों की दर्दना दशा का यहाँ पर सजीव चित्रण किया है। इस प्रकार ये मैंने आपको आज यहाँ तक शब्दार्थ और उसके प्रसंग इसको समझाया। आगे की क्लास में इसके आगे, चूंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसको आगे हम क्लास में पढ़ेंगे इसके अर्थ को और समझेंगे। धन्यवाद।